यह सवाई माधोपुर का मुख्य बाजार है जो कि अपनी चहल पहल और जीवंतता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बाजार की इस चहल पहल के बीच एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बाजार की गलियों में जगह जगह खुले बिजली के बॉक्स नजर आते हैं जिनके नंगे तार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं वार्ड पार्षद सिविल लाइन संजय गौतम सवाई माधोपुर। मेरे वार्ड की जनसंख्या 1785 है। मेरे वार्ड में इलेक्ट्रिक सेट टॉप बॉक्स लगाए गए थे, उनके पूरे बॉक्सों के ढक्कन खुले हुए पड़े हैं। उन पर मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को फोन करके अवगत कराया, अभी तक वो खुले हुए हैं। कई बार स्पार्किंग हो चुकी है, उनको वार्ड वासियों ने भी मेरे को कई बार वीडियो और अवगत कराया गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हो? उन बॉक्सों पे कवर लगाया जावे, प्लास्टिक के कवर या कुछ लगाया जाए जिससे कि वो निजात मिल सके, खतरे का खतरा कम हो। और बारिश हो रही है अभी तो उसको लेकर बारिश काफी हो रही है, बारिश में भी स्पार्किंग कई जगह हो जाती है, सेफ्टो बॉक्सों में पानी जल जाता है, लाइट के बॉक्स पूरे जल जाते हैं, एमसीबी जल जाती है। इसकी वजह से उनको सही होना चाहिए, सही होने चाहिए। मैंने किस अधिकारी को अवगत कराया? जयिन साहब को कह दिया था, जयिन साहब ने भी कई बार कोशिश करी, लेकिन उच्च अधिकारी के लेवल पर काम था, उच्च अधिकारियों की सुनवाई करने पर जब ही कार्य हो सकता है। विद्युत निगम ने अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए इन बॉक्सों को लगाया गया था। शुरू में इन पर दरवाजे भी लगाए गए थे, लेकिन समय के साथ ये दरवाजे टूट गए और अब हालात ये है कि खुले बॉक्स हादसों को न्योता दे रहे हैं। बरसात के मौसम में नंगे तारों से करंट लगने का डर और भी बढ़ जाता है। पानी के संपर्क में आते ही ये तार किसी भी राहगीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले महिला पुरुष और आम नागरिक सभी इस खतरे के साए में जी रहे हैं। समय रहते इन खुले बिजली के बॉक्सों की मरम्मत और सुरक्षा के उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि बाजार की रौनक और लोगों की सुरक्षा बनी रहे।